हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत बड़ी एक अपडेट, एक ऐतिहासिक पन्नों के हिसाब से बहुत एक रोचक तथ्य आप सबके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वो है बड़ोपल के बायपोल को लेकर 2020 के। यहाँ पर अब तक जितने भी बाहरी प्रत्याशी आए हैं, जनता उन पर सबसे ज़्यादा मेहरबान रही है। खास करके ताऊ देवीलाल और हुड्डा के करीबियों को यहाँ पर टिकट मिलता रहा है और उन्होंने यहाँ पर विजय हासिल है वो की है। बरोदा हलका के विधानसभा चुनावों के इतिहास के पन्नों पर यदि हम देखें तो बाहरी प्रत्याशियों का यहाँ पर दबदबा ज़्यादा रहा है। 53 साल के हलके में लगभग 13 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 9 बार बाहरी प्रत्याशी यानी कि बरोदा से थे ही नहीं, वो बाहर से लाए गए थे, उन्होंने यहाँ पर जीत है वो दर्ज की है। खास करके देवीलाल परिवार हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बरोदा हलका के अपने ही दलों के स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ पर भारियों पर ज़्यादा मेहरबानी दिखाई गई। तो इस बार का चुनाव भी बहुत रोचक है। देखने वाली बात यह है कि जहाँ पर इस बार कांग्रेस हो या फिर INLD हो, दोनों के लिए सांग का सवाल जरूर है, मगर BJP और JJP के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने गढ़ को बचाना है। और यही चुनाव हरियाणा की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को भी तय करने का काम करेगा, ऐसा राजनीतिक लोगों का मानना है। मगर अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो यहाँ पर अब तक जीत ज़्यादा बार दर्ज की है वो बाहरी प्रत्याशियों ने की है। बरोदा हलका में 1967 के अंदर ये अस्तित्व में आया था और 53 साल में यहाँ पर 13 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 1968 के चुनाव में VHP से श्यामचंद विधायक बने थे। श्यामचंद मूल रूप से गांव लाट के रहने वाले हैं, जो कि गुहाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। 1972 के चुनाव में बरोदा से श्यामचंद को कांग्रेस ने मैदान में उतारा और विधायक बने। 1987 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल ने LKD की टिकट पर डॉक्टर कृपाराम पूनिया को मैदान में उतारा और वे विधायक बने। डॉक्टर पूनिया झज्जर के रहने वाले हैं। चौधरी देवीलाल ने 1991 के चुनाव में रमेश खटक को बरोदा से मैदान में उतारा, वो विधायक बने। 1996 में रमेश खटक को देवीलाल परिवार ने SAP की टिकट पर, 2000 के चुनाव में खटक को INLD टिकट पर मैदान में उतारा, वो विधानसभा में पहुंचे थे। तो खटक लगातार 3 बार विधायक बने। खटक मूल रूप से गांव बटगांव के हैं, जो कि गोहाना हल्का में पड़ता है। फिर अगर बात करें 2005 के चुनाव में तो यहां पर रामफल को INLD से विधायक बने, रामफल गांव चिडाना के हैं, अगर जो कि बरोदा हलके में ही है। फिर 2009, 14, 19 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने श्री कृष्ण हुड्डा को बरोदा से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा और वे विधायक बने, जो कि खिड़वाली और रोहतक जिले के रहने वाले हैं। और अब 16 अक्टूबर को जो दाखिल होंगे नामांकन। और बरोदा हलका 1967 से 2005 तक आरक्षित रहा है। जब तक हलका आरक्षित रहा, यहाँ पर चौधरी देवीलाल के परिवार का दबदबा रहा है, तो INLD अभी भी यहाँ पर खुश नजर आ रही है। 2005 में यह हलका ओपन हुआ और यहाँ पर XCM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है। बरोदा हलका में कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का अप्रैल 2020 में स्वर्गवास हो गया और अब उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। और राजनीति में वे लंबे समय तक सक्रिय रहे बरोदा की ही, और उनका गुहाना में कार्यालय भी है। हलके के 14वें चुनाव में राजनीतिक दल बाहरियों पर मेहरबान होंगे या स्थानीय नेताओं को टिकट मिलेगी, इसका फैसला 16 अक्टूबर को तय हो जाएगा और उपचुनाव में 16 अक्टूबर तक नामांकन है वो दाखिल होंगे। तो ये सबसे बड़ी एक अहम रोचक अपडेट थी जो हमने बरोदा के बायपोल को लेकर आप तक पहुंचाई है। मगर बड़ा सवाल, क्या BJP इस बार और JJP दोनों अपने गढ़ को बचा पाएगी? यानी उनका गढ़ पूरा हरियाणा है, मगर यहाँ पहले विधायक कृष्ण हुड्डा थे, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद ये बायपोल हो रहा है। अब INLD हो चाहे कांग्रेस, को उसके लिए सांख बचाने का भी सवाल है। इन तमाम सवालों के साथ छोड़ देते हैं आपको। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।